The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with Forensic Classes by Diksha and make your NET Forensic exam dreams come true. Download the app now. Before starting today's class, a quick reminder that we have an application. Application के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं. आप प्ले स्टोर से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं एंड ऐप स्टोर से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं. जैसे आप एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे आपको लॉग इन करना होगा. लॉग इन करने के बाद आप स्टोर पर क्लिक कर सकते हैं. स्टोर में आपको कोर्स लिस्ट मिलेगी. इस कोर्स लिस्ट में से आप अपना डिजायर्ड कोर्स सेलेक्ट कर सकते हैं एंड एनरोल कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं फॉरेंसिक साइंस नेट की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं फॉरेंसिक साइंस नेट का कोर्स सेलेक्ट करूंगी. अगर मैं क्रिमिनोलॉजी की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं यूजीसी नेट क्रिमिनोलॉजी का कोर्स सेलेक्ट करूंगी. अगर मैं मास्टर्स की प्रिपरेशन कर रही हूँ, मुझे सेमेस्टर क्लासेस चाहिए तो मैं सेमेस्टर क्लासेस का कोर्स चूज करूंगी. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यूजीसी नेट फॉरेंसिक साइंस की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं फॉरेंसिक साइंस का कोर्स चूज करूंगी. अगर मैं क्रिमिनोलॉजी की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं क्रिमिनोलॉजी का कोर्स चूज करूंगी. इसके अलावा सेमेस्टर क्लासेस भी अवेलेबल है एंड फॉरेंसिक के फील्ड में जितने भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, बीएससी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, एमएससी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के कोर्सेज भी अवेलेबल है. इसके अलावा साइंटिफिक ऑफिसर, साइंटिफिक असिस्टेंट के कोर्सेज भी अवेलेबल है. तो आप अगर किसी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं फॉरेंसिक साइंस या क्रिमिनोलॉजी के फील्ड से, तो वो सारी की सारी क्लासेस आपको सिर्फ और सिर्फ मिलेंगी हमारे एप्लीकेशन पे. तो हमारा application download aap kar sakte hain. Forget to download our application and start your preparation with us. So basically we have two types of courses in our application: video lecture course and study material course. So video lecture course mein aapko sari ki sari cheeze milti hai: video lectures, PDF study material, mock test, previous year question paper, everything. Study material course mein aapko sirf aur sirf study material, previous year question papers aur mock test milte hain. Video lectures usme included nahi hote hain. So that's the basic difference between video lecture course and study material course. So it's clear now, you can join these classes according to your preparation and start preparing with us. हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज क्लास. और आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं ब्रेन डेथ एंड इट्स टाइप्स. ओके, हम क्या पढ़ रहे हैं? थैनाटोलॉजी. थैनाटोलॉजी इज साइंटिफिक स्टडी ऑफ डेथ एंड इट्स अदर एसोसिएटेड फॉर्म्स. ठीक है, थैनाटोलॉजी का मतलब हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है. इंट्रोडक्शन टू थैनाटोलॉजी हमने पढ़ ली है एंड आज के क्लास में हम पढ़ेंगे ब्रेन डेथ एंड कितने टाइप के ये होते हैं. ठीक है, ब्रेन डेथ एंड इट्स टाइप्स. इसके अलावा हमने टाइप्स ऑफ डेथ में दो टाइप ऑफ डेथ पढ़ा था. पहला क्या था? सोमैटिक, जिसे हम कहते हैं, जिसे सिस्टेमिक हम कहते हैं या फिर जिसे हम क्लिनिकल कहते हैं. एंड दूसरा टाइप है मॉलिक्यूलर या फिर सेल्यूलर. सोमैटिक डेथ का हमने कॉन्सेप्ट समझा था एंड इसमें हमें ब्रेन डेथ समझनी है आज की क्लास में. इट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, द मूवमेंट ऑफ डेथ मतलब जो डेथ है, इट इज नॉट एन इवेंट. एकदम से डेथ नहीं होती कि किसी पर्सन की फट से डेथ हो गई या सडन, जो सडन जैसे कार्डियक अरेस्ट वाली सिचुएशन में भी सडन डेथ नहीं होती है. उसमें सडन स्टॉपेज ऑफ हार्ट होता है, डेथ सडन नहीं होती है. ठीक है, इट इज अ प्रोसेस. क्या है? डेथ इज अ प्रोसेस. मेडिकली, लीगली और हिस्टोरिकली द कॉन्सेप्ट ऑफ डेथ वॉज दैट ऑफ हार्ट एंड रेस्पिरेशन डेथ. ठीक है, अगर रेस्पिरेटरी फेलियर हो गया या फिर हार्ट फेलियर हो गया तब हम उसे क्या कहते हैं? डेथ कहते हैं. इट इज मेडिकली, लीगली एंड हिस्टोरिकली. या फिर स्पॉन्टेनियस स्टॉपेज हो गया हार्ट का या फिर लंग फंक्शन. ठीक है, हमने ट्राईपॉड ऑफ लाइफ पढ़ा था लास्ट क्लास में. ये आपके ट्राईपॉड है लाइफ के. सो ब्रेन फंक्शन, रेस्पिरेशन और आपका सर्कुलेशन. तो आप तीन ऑर्गन कह सकते हो. सर्कुलेशन में हार्ट इन्वॉल्व है तो ये ऑर्गन हो गया. रेस्पिरेशन में लंग्स इन्वॉल्व है तो लंग्स हो गए एंड ब्रेन. ठीक है, ये तीन इंपॉर्टेंट ऐसे ऑर्गन हैं जो कि हमारा लाइफ का ट्राइपॉड क्रिएट करते हैं मेडिकली और लीगली अगर हम कहें तो. अगर सडनली हार्ट स्टॉप हो गया है या फिर लंग फंक्शन स्टॉप हो गए हैं तब हम उसे कह सकते हैं कि डेथ है. ठीक है, द प्रोसेस ऑफ डेथ. अब हार्ट लंग जो मशीन्स हैं, बाईपास मशीन्स या फिर मैकेनिकल जो रेस्पिरेटर्स हैं, जो अदर डिवाइसेस हैं, दे हैव चेंज दिस थिंग. ठीक है, जो कि हम बोलते हैं मेडिकल डेथ इन फेवर ऑफ न्यू कॉन्सेप्ट. इसका मतलब होता है कि अगर आपका हार्ट फेल हो गया या फिर रेस्पिरेटरी फेलियर हो गया तो हम उसे क्या कर सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ मैकेनिकल रेस्पिरेटर, विद द हेल्प ऑफ हार्ट लंग बाईपास मशीन्स, इन सब की मदद से हम उस सिचुएशन को रिवर्स कर सकते हैं. इसी वजह से जो कॉन्सेप्ट है डेथ का वो चेंज हो गया है. तो इसी वजह से हम पढ़ते हैं ब्रेन डेथ एंड इट इज इररिवर्सिबल लॉस ऑफ सेरेब्रल फंक्शन. कैसा होता है ये इरिवर्सिबल लॉस ऑफ सेरेब्रल फंक्शन? जब कभी भी सेरेब्रल वर्ड आ जाता है तो आपको क्लियरली समझ जाना है कि ब्रेन ऑलरेडी इन्वॉल्व हो चुका है.
ठीक है, तो दिस इज अबाउट ब्रेन डेथ, और हमको ब्रेन डेथ ही अच्छे से समझनी है. तो वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ ब्रेन डेथ, तीन तरीके की ब्रेन डेथ हमको पढ़नी है, समझनी है. सबसे पहला जो टाइप है ब्रेन डेथ का, वो है कॉर्टिकल या फिर सेरेब्रल डेथ. ठीक है, कॉर्टिकल या फिर सेरेब्रल ब्रेन डेथ. फिर है ब्रेन स्टेम डेथ. क्या है? ब्रेन स्टेम डेथ. फिर है होल ब्रेन डेथ. ठीक है, अब यहाँ पे सेरेब्रल या फिर कॉर्टिकल की बात करें तो सेरेब्रल एरिया कौन सा होता है? दिस इज सेरेब्रल कॉर्टेक्स. एंड हमने लास्ट लेक्चर में भी ये पढ़ा था कि सबसे पहले सेरेब्रल कॉर्टेक्स अफेक्ट होता है आफ्टर डेथ. ठीक है, सो दिस इज फर्स्ट टाइप ऑफ डेथ, कॉर्टिकल या फिर सेरेब्रल डेथ. तो एक एक करके पढ़ेंगे. व्हाट इज कॉर्टिकल या फिर सेरेब्रल डेथ? सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सेरेब्रल डेथ और परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट. क्या हमने बोला? PVS, परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट. ठीक है, इट इज अ कंडीशन जिसमें क्लिनिकली पेशेंट इज इन इररिवर्सिबल कोमा. इसमें पेशेंट क्या होता है? एक इररिवर्सिबल कोमा की सिचुएशन में होता है. इट शोज साइन ऑफ सेवरल ब्रेन डिसफंक्शंस विथ लॉस ऑफ हायर लेवल्स ऑफ सेरेब्रल एक्टिविटी विच रिजल्ट ईदर फ्रॉम हाइपोक्सिक इंसल्ट, ट्रोमोटिक इंसल्ट या टॉक्सिक इंसल्ट. अब हम ये एक एक करके समझेंगे व्हाट इज हाइपोक्सिक इंसल्ट, व्हाट इज ट्रोमोटिक इंसल्ट एंड व्हाट इज टॉक्सिक इंसल्ट. पहले ये समझो, जो कॉर्टिकल या सेरेब्रल फॉर्म ऑफ डेथ होती है इसको हम सेरेब्रल ब्रेन डेथ भी बोलते हैं या फिर परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट बोलते हैं. इसमें जो आपका ब्रेन होता है वो एक इररिवर्सिबल कोमा की सिचुएशन में होता है और कई सारे ब्रेन डिसफंक्शन होते हैं, बहुत सारी गड़बड़ियां होती हैं ब्रेन में और हायर लेवल ऑफ सेरेब्रल एक्टिविटी क्या होती है? खत्म हो जाती है. जो भी आपका हायर लेवल ऑफ सेरेब्रल एक्टिविटी है, जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स है, आप जो भी चीजों को मेंटेन करते हो वो खत्म हो जाती है. अब ये क्यों होती है? या तो होती है हाइपोक्सिक इंसल्ट से, मतलब लॉस ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है, इतनी बुरी तरीके से ऑक्सीजन कम हुई कि आपका जो ब्रेन का जो सेरेब्रल पार्ट है वो डैमेज हो गया, और वो किसकी वजह से हुआ? लॉस ऑफ ऑक्सीजन की वजह से हुआ. दिस इज हाइपोक्सिक इंसल्ट. जो मैंने ट्रॉमेटिक इंसल्ट बोला ये किसी ट्रॉमा से होगा, कोई एक्सीडेंट. ठीक है, लेट्स से कोई कोई व्हीकल एक्सीडेंट हो गया या फिर कोई पर्सन बहुत हाइट से सर के बल गिर गया, तो आप ये बोल सकते हो कि बहुत ज्यादा बड़ा इम्पैक्ट या ट्रॉमा, फिजिकल ट्रॉमा विक्टिम को रहा है सेरेब्रल एरिया या ब्रेन एरियाज में. तो इस एक्सीडेंट या फिर इस तरीके के अटैक या फिर इस तरीके की इंजरी की वजह से, ब्रेन इंजरी की वजह से जब आपका परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट आती है तब हम इसे कहते हैं ट्रॉमेटिक इंसल्ट, क्यों? ट्रॉमा से हुआ है. देन वी हैव टॉक्सिक इंसल्ट. तो इसमें कोई भी ऐसा केमिकल या फिर पॉइजन, केमिकल पॉइजन मेडिसिन कुछ भी ऐसी थी जिसने ब्रेन पे अफेक्ट करा. ठीक है, कैसे अफेक्ट करा? एडवर्सली ब्रेन पे अफेक्ट करा, तो वो टॉक्सिक इंसल्ट हो जाएगा. ठीक है, टॉक्सिक इफेक्ट की वजह से ब्रेन के सेरेब्रल पार्ट ने काम करना बंद कर दिया, ब्रेन डिसफंक्शन हो गया और वो पर्सन एक इररिवर्सिबल कोमा की स्टेट में जा चुका है. ठीक है, सो ये सारी की सारी चीजें आती हैं आपके कॉर्टिकल या फिर सेरेब्रल डेथ के पार्ट में. सो इन दिस कंडीशन द पर्सन विल एग्जिस्ट इन अ वेजिटेटिव स्टेट. वेजिटेटिव स्टेट बिकॉज ब्रेन स्टेम इज इंटैक्ट, मेंटेनिंग रेस्पिरेशन एंड कार्डियक एक्टिविटी. अब इसमें जो विक्टिम है उसकी उसका हार्ट फंक्शन सही से कर रहा है, उसके लंग्स सही से फंक्शन कर रहे हैं. ठीक है, ब्रेन में इंजरी है बट वो एक कोमा की स्टेट में रहता है, वो पर्सन वेजिटेटिव स्टेट में रहता है कि बाकी पूरी बॉडी का सारा सिस्टम सही से चल रहा है, बस ब्रेन का जो कॉर्टिकल पार्ट है या जो सेरेब्रल पार्ट है वो डैमेज है, डिसफंक्शन है, हायर लेवल ऑफ सेरेब्रल एक्टिविटी हम नहीं कर पा रहे हैं, बट उस बंदे का हार्ट लंग प्रॉपरली सही से चल रहा है, कार्डियक एक्टिविटी सही है, रेस्पिरेशन सही से मेंटेन हो रही है. सच वेजिटेटिव पीपल आर नॉट कंसीडर्ड डेड. ठीक है, ऐसे लोगों को हम डेड नहीं बोलते हैं. ठीक है, इनको हम डेड नहीं बोलेंगे बिकॉज ऑफ द इररिवर्सिबल लॉस ऑफ अवेयरनेस दे आर कंसीडर्ड लिविंग कैडवर्स. अब ये अपने अवेयरनेस को लॉस कर चुके हैं, मतलब इनका अवेयरनेस लूज हो गया है, दे हैव ऑलरेडी लॉस्ट इट, तो हम इनको लिविंग कैडवर्स बोल सकते हैं. अच्छा, अगर आप सभी ने मुन्ना भाई MBBS देखी है तो उसमें एक पर्सन होता है जो पूरे टाइम व्हील चेयर पर बैठा होता है ना, आई थिंक शायद वो बहुत टाइम, बहुत साल हो गए, तो
तो वो शायद उस मूवी में उसे वो सैंपल कहते हैं या कुछ ऐसा कुछ कहते हैं। तो उस पर्सन की सिचुएशन कुछ ऐसी होती है, परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट में, मतलब वो कोमा में होता है। उनका कहना होता है कि ये सुन सकता है, समझ सकता है, बट कुछ रिएक्ट नहीं कर सकता। या उनका ये कहना होता है कि शायद ये परमानेंट कोमा में चला गया है, कुछ सेंस नहीं कर सकता, सुन समझ नहीं सकता, लाइक दैट। तो यही होती है परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट। इसमें बॉडीली फंक्शन सही से होते हैं, बस जो अवेयरनेस है वो इरिवर्सिबली लूज हो जाता है, और इनको हम कहते हैं लिविंग कैडवर्स, मतलब जिंदा लाश हम इन्हें कह सकते हैं। देन वी हैव ब्रेन स्टेम डेथ। ब्रेन स्टेम डेथ क्या है? ब्रेन स्टेम डेथ इज कंसीडर्ड एज द डेथ ऑफ अ पर्सन बिकॉज ऑफ दी वाइटल सेंटर्स एंड दैट कंट्रोल्स रेस्पिरेशन, कार्डियक एक्टिविटी एंड असेंडिंग रेटिक्यूलर पाथवेज आर अवेकन्स एंड आर लॉस्ट इरिवर्सिबली एंड परमानेंटली। ठीक है, इसमें वो सारे वाइटल सेंटर्स जो कंट्रोल करते हैं रेस्पिरेशन को, कार्डिक एक्टिविटी को, रेटिकुलर पाथवेज को, ठीक है, ये सारे के सारे परमानेंटली या इरिवर्सिबली डैमेज हो गए हैं। हियर द सेरेब्रम, सेरेब्रम आपके ब्रेन का पार्ट है, सेरेब्रम मे बी इंटैक्ट बट फंक्शनली कट ऑफ फ्रॉम दी ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम से फंक्शनली कट ऑफ रहता है, ऐसे इन रियलिटी इंटैक्ट होता है बट फंक्शंस इंटैक्ट नहीं है ब्रेन स्टेम से, जो सेरेब्रम, सेरेब्रम पार्ट हमारे ब्रेन का, सो सेरेब्रम एरिया दिस वन, जो सेरेब्रम ब्रेन का पार्ट है ये फंक्शनली क्या हो गया है? डिस्ट्रैक्ट हो गया है, अलग हो चुका है। फंक्शनली इंटैक्ट है ब्रेन स्टेम से बट काम कुछ भी कर नहीं रहा है। विद द एविडेंट ऑफ ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन एक्ट 1944, ब्रेन डेथ इज कंसीडर्ड इन इंडिया। अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट, ब्रेन स्टेम डेथ इज डिफाइंड एज ब्रेन स्टेम डेथ मीन्स द स्टेट एट विच ऑल फंक्शंस ऑफ द ब्रेन स्टेम हैव परमानेंटली एंड इरिवर्सिबली सीज्ड एंड इज सो सर्टिफाइड। ब्रेन डेथ इज नाउ एक्सेप्टेड एज ब्रेन स्टेम डेथ। सो ब्रेन स्टेम डेथ ही रियल मायनों में क्या है? ब्रेन डेथ है। इसमें ब्रेन स्टेम, इसको इसने किसने डिफाइन करा है? इसको ऑलरेडी एविडेंट जो ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन एक्ट है 1944 का, उसने इसे डिफाइन करा है कि ब्रेन स्टेम डेथ एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें सारे के सारे फंक्शंस परमानेंटली और इरिवर्सिबली खत्म हो चुके होते हैं, और इसको जो डॉक्टर से वो सर्टिफाइड भी कर चुके हैं। अब ब्रेन डेथ को हम सर्टिफाइड वे में ब्रेन स्टेम डेथ कहते हैं। द रेस्पिरेटरी सेंटर्स विच कंट्रोल्स रेस्पिरेशन लाइज विद इन द ब्रेन स्टेम। इफ द एरिया इज डेड, द पर्सन इज अनेबल टू ब्रीथ स्पॉन्टेनियसली और रीगेन द कॉन्शियसनेस। द क्रूशियल पॉइंट इन डिटरमाइनिंग ब्रेन डेथ इज टू डेमोन्स्ट्रेट ऑफ द एब्सेंस ऑफ ब्रेन स्टेम फंक्शंस। अगर हमको ब्रेन, जो ब्रेन स्टेम डेथ है उसे जानना है, तो हमको ये चेक करना पड़ेगा कि ब्रेन स्टेम फंक्शंस कर रहे हैं या नहीं कर रहे। मेनी कंट्रीज दैट इंक्लूड इंडिया एज वेल नाउ लीगली कंसीडर ब्रेन स्टेम डेथ एज अ ब्रेन डेथ। ब्रेन स्टेम डेथ को ही हम ब्रेन डेथ कंसीडर करते हैं, और हम ये चेक करते हैं कि अगर ब्रेन स्टेम फंक्शंस काम नहीं कर रहे हैं तो पूरी की पूरी बॉडी भी प्रॉपरली तो चलेगी नहीं, और इसे हम ब्रेन डेथ कहते हैं। तो ब्रेन स्टेम डेथ इज नथिंग बट ब्रेन डेथ। ओके, नाउ वी हैव होल ब्रेन डेथ। अब ये होल ब्रेन डेथ आपको नाम से ऐसा लग रहा है कि पूरा ब्रेन डेड हो गया है, बट दिस इज ऑल्सो नोन एज मिक्सड ब्रेन डेथ। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ कॉर्टिकल एंड ब्रेन स्टेम डेथ। तो इसमें कॉम्बिनेशन आपका सेरेब्रल ब्रेन डेथ भी हो चुकी है और स्टेम ब्रेन स्टेम डेथ भी हो चुकी है। ब्रेन डेथ ऑकर्स इन स्टेप्स एंड द सेल्स डाई बिकॉज ऑफ एनोक्सिया। किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इसकी वजह से सेल्स धीरे धीरे क्या करने लगती है? डाई करने लगती है। द फर्स्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन टू डाई इज सेरेब्रल कॉर्टेक्स फॉलोड बाई मिड ब्रेन एंड देन ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम डेड हो गया तो वो पर्सन कंप्लीटली डेड हो गया। परमानेंट, इट इज परमानेंट सेसेशन ऑफ फंक्शन ऑफ सेरेब्रम, सेरेबेलम एंड ब्रेन स्टेम। ये तीन इंपॉर्टेंट प्लेसेज है जो कि अगर डेड हो गए तो कम्प्लीटली ब्रेन डेथ हो चुकी है, और एक बार कम्प्लीट ब्रेन डेथ हो गई, इट मीन्स दैट पर्सन इज कम्प्लीटली डेड नाउ, इरिवर्सिबली डेड। नाउ वी हैव इम्पोर्टेंस ऑफ
डिटर्मिनेशन ऑफ ब्रेन डेथ, क्यों हमको ये चेक करना है कि ब्रेन की डेथ हो चुकी है या ब्रेन सेल्स अब डेड है. प्रैक्टिकल मेडिकल लीगल इम्प्लीकेशंस अकॉर्डेड टू द डिटर्मिनेशन ऑफ ब्रेन डेथ आर द अर्लीस्ट डिटर्मिनेशन ऑफ द ब्रेन डेथ फॉर प्रॉम्प्ट हार्वेस्टिंग द ऑर्गन्स फॉर द ट्रांसप्लांटेशन पर्पस. अगर हमको ये पता चल गया है कि ब्रेन डेथ हो चुकी है, ब्रेन स्टेम डेथ हो चुकी है, तो इस वजह से इम्पॉर्टेंट है ताकि हम उनके ऑर्गन्स को जल्दी से जल्दी क्या कर सके, हार्वेस्ट कर सके इन केस ऑफ ट्रांसप्लांटेशन. ठीक है, अगर मैंने ऑलरेडी ये बोला हुआ है कि आफ्टर माई डेथ आई वॉन्ट टू डोनेट ऑल माई ऑर्गन्स, तो जैसे ही डॉक्टर्स ये चेक करेंगे कि ब्रेन स्टेम डेथ या ब्रेन डेथ हो चुकी है, तो जल्दी से जल्दी सारे के सारे ऑर्गन्स को हार्वेस्ट करेंगे फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसप्लांटेशन. द लीगैलिटी एंड डिसकंटिन्यूएशन ऑफ द लाइफ सपोर्टिंग इक्विपमेंट. ठीक है, लीगल वेज की वजह से भी और इस वे से भी कि जो भी लाइफ सेविंग इक्विपमेंट है वो किसी और बंदे के भी यूज हो जाए, क्योंकि अब जिस बंदे पे वो लगे हुए हैं वो तो नहीं रहा है ना. द डिटर्मिनेशन ऑफ द टाइम ऑफ द डेथ इन क्रिमिनल एंड सिविल लिटिगेशन. सो अगर क्रिमिनल सिविल केस से जुड़ा हुआ कोई मामला है तो उसमें भी ये इम्पॉर्टेंट है कि हमें ये पता लगाना कि ब्रेन स्टेम डेथ हुई है नहीं हुई, ब्रेन डेथ हुई है या नहीं हुई है. इसी वजह से ये जानना ज़रूरी है मेडिको लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से कि ब्रेन डेथ हुई है या नहीं हुई है. सो इट्स अबाउट ब्रेन डेथ एवरीवन. आई होप दिस लेक्चर इज हेल्पफुल एंड इफ यू वॉन्ट टू जॉइन एनी ऑफ अवर क्लासेज यू कैन जॉइन ऑल दिस क्लासेस इन अवर एप्लीकेशन. एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी. सो अगर आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं इन द फील्ड ऑफ फॉरेंसिक साइंस एंड क्रिमिनोलॉजी, यू कैन जॉइन अवर क्लासेज एवरीवन. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लास. हैव अ ग्रेट डे अहेड. टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स एंड सी यू गाइज इन द नेक्स्ट क्लास. टिल देन टेक केयर. बाय.